Sí, es verdad. Venga, ya, Lauper. Sí, es un poquito. No, que no, que no. 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 आओ बहू, अब से ये तुम्हारा घर है। पहला कदम रखो। यही हमारी छोटी सी दुनिया है और इसी में हम सब लोग खुश हैं। हाँ, हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। छोटा सा घर आए, सब कुछ मैनेजेबल है। आई, मेरे लिए तो घर से ज्यादा इस परिवार का प्यार ही महत्व रखता है। ओ ससु भाई, ऐक लेत ना, घर में बहू नहीं बेटी आई है। मुंबई का चौल सिस्टम, जहां आज भी कई परिवार एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अक्सर 10x10 फीट के एक कमरे में 8 से 10 लोगों का परिवार साथ रहता है। अब आप इसे उनकी मजबूरी कह लीजिए या आपस का प्यार, लेकिन जो भी हो, सपनों के इस शहर की एक हकीकत ये भी है। मुंबई की ऐसी एक चौल में मयंक जलगांव से चेतना को ब्याह कर लाया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चेतना की सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, चेतना गेली, यानी चेतना चली गई। आखिर कहां चली गई थी चेतना? अरे भाभी, रहने दो ना, मैं करती हूँ। अगर राव दे तू, इतने जल्दी हाथ खराब कर लेगी तो हमारे देवर जी को तकलीफ होगी ना। ठीक ठीक भी कैसे परेशान हो रहा है, उसके बेडरूम में हमने कब्जा जो कर रखा है, मेरा मतलब है किचन, हम यहाँ से हटेंगे तभी तो उसकी सेहत सजेगी। अरे 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 अरे, इतना उतावला हो रहा है। अरे बाप रे, लेकिन मैं भी हटने नहीं वाली हूँ, मैं तो भन्नी घिसते ही रहूंगी। भाभी अब भी। अरे कहाँ जा रही है तू, ये ले, ये धुले हुए बर्तन ऊपर रख दे। ए प्रणीति, तू क्यों अभी बर्तन घसने को बैठी? हाँ, मालूम नहीं चेतना को सोना है। चल बत्ती बुझा दे जल्दी से। हाय, आई, बंद करती हूँ। हाँ ये सो जाना, झांकूंगी नहीं मैं। एक हफ्ते पहले हुई हो, वो इतनी जल्दी सोएगा? आओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मयंक? अभी चूड़ा क्यों खा रहे हो? चूड़ा ना, सब सो रहे हैं। प्रणति, सोती क्यों नहीं है? हाँ सोती हूँ। सब लोग सो गए, क्या कर रहे हो? पॉजिटिव। आई मी तो बरका मला उशीर झालाय, आज जल्दी जाना है। टिफिन लेके जा। चेतना माझा डबा दे। किती वेळ? क्या रे, इससे पहले तो अपने वहिनी से टिफिन मांगता था, अब क्या हुआ? हाँ, रात को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी क्या? मयंक
मयंक अरे तुला उशीर अगं हो मी डबा घेतोय चल चल आई बाय 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 भावा बाय ए बाय चिंटू बाय वहिनी साल से रह रहे हम लोग इस चाल में तुम्हारे ससुर जी को ना इस कोली से बहुत प्यार है मुझे भी है हमने हमारे सारे सपने इसी कोली में देखे अब आई नहीं आते हाँ संभाल के जा हाँ 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 ये कमला है हर घमंड है उसे अपने पैसों पर के घर में आग लगाने का धंधा है उसका देख पूरी घर से बाहर निकलकर किसी से भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है तू चल हम लोग मार्केट जाएंगे सब्जी लाने की ना चल फिश वगैरह ले हाँ। ये मिर्ची ले ले चेतना फ्लावर दे दीजिएगा चलिए कितना होता है तौलिए अच्छा गाजर कैसे जरा सा धनिया तक नहीं दोगे आप दीजिए क्या कंजूसगिरी कर रहे इतना सा धनिया दे दिया चिवड़ा नहीं खाओगे तुम्हारे तुम्हारे भी चिवड़ा कहाँ से आ गए खुद ही देख लो चिवड़ा कल के लिए माफी मांगती हूँ क्या करूँ इस छोटे से कमरे में सबके सामने मुझे अजीब लगता है यहाँ तो खुलकर बात भी नहीं कर सकते लेकिन आप मुझसे गुस्सा मत होना यहाँ सबका ख्याल रखना पड़ता है सुनो आज के बाद से ना जब भी मुझे आपसे कुछ कहना होगा ना तो मैं लिख के इस डब्बे में रख दूंगी हाँ क्या हुआ अभी तक नाराज हो मुझसे मैं तुम पे नाराज नहीं हो रहा मैं अपने हालात से नाराज हूं तुम भी क्या सोचती होगी मतलब तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे अपना अलग से रूम हो विद अटैच टॉयलेट बाथरूम एसी ये वो नहीं ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने हाँ लेकिन इतना जरूर सोचा था कि जब मैं अपने पति के साथ हूंगी तब तो कोई हमें परेशान ना करे मेरी पगार भी इतनी नहीं कि मैं वन रूम किचन ले सकूं कब से इसी खोली में अटके पड़े हुए इसी भरोसे पर कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा और हमको बड़ा फ्लैट मिलेगा 15 साल से सुनते आ रहा हूँ चेतना अब तक नहीं हुआ हो मगर अब एक सपना है मेरा कि इस शहर में
कम से कम 1 BHK फ्लैट तो जरूर दिलाऊंगा तुम्हें। हो कैसे सर का हो, हो, हो मतलब हाँ, मैं पप्पू के लिए 5 साल नहीं रुक सकती। कहने को तो सारा जहां हमारा है, लेकिन जब एकांत चाहिए होता है तो 10 बाय 10 फीट की जगह भी मुहैया नहीं। ये समस्या मुंबई जैसे अन्य कई शहरों की भी है, जहां आज भी पुराने घरों में एक ही परिवार के कई सदस्य एक साथ रहते हैं और मजबूरन इसी माहौल में ढल भी जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे माहौल में चेतना और मयंक जैसे कई जोड़ों को अपने दिलों के अरमान दबाने पड़ते हैं और फिर मन में एक छटपटाहट से शुरू हो जाती है। दिल लगातार मौका ढूंढता है इस घुटन से बाहर निकलने का। कुछ ऐसा ही हो रहा था चेतना और मयंक के साथ। पहचाना मुझे? मैं कमला, तुम्हारी पड़ोस में रहती हूँ। अरे मुझे पता है, तुम्हारी सास ने ना मुझसे बात करने से मना किया है। खुद तो 10 बाय 10 की खोली में जिंदगी गुजार ली, अब तुम्हें भी वही करने से मजबूर कर रही। पहले की बात और थी, बुड्ढा बुड्ढी और 2 बेटे ठीक था, अब तो 7 लोगों का परिवार हो गया है ना। आगे चल ना, मजे करे, चल चाह पीत, बोलू चाय पीते हैं। चाह नहीं नोको, मुझे जाना है। मैं सुनना, तेरी सास के घर से मेरा घर 4 गुना बड़ा है, खुद आकर देख ले। चिंता मत कर, तेरी सास को मैं नहीं बताऊंगी, इतना सोच मत। चल चल ना। अजय आना बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू। वो पति है मेरे। आपके बच्चे? हाँ, एक बेटा है, उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया है नासिक, तो हम अकेले होते हैं तो चलता रहता है। मेरा ना एक उसूल है जिंदगी को एकदम तरीके से जीने का, किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना? हाँ। अरे मुझे बहुत देर हो गई, मुझे अभी चलना है। अरे तूने तो चाय भी नहीं पी, ऐसे ही जल्दी? नहीं मैं बाद में आऊंगी ना, पक्का? हाँ। अच्छा, इसे अपना ही घर समझना, जब भी मन करे तब आ जाना। अरे पूरा काय पड़ल? काय नहीं काय नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है। क्या दिख रही है, क्या सोच रही है? कि हमें एक बेटा है और हम दोनों ऐसे?
मैं तो कहती हूँ तुझे भी ऐसे ही रहना चाहिए, तेरी उम्र ही क्या है। वहीनी, हमारे घर में तो खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है, डांस कहाँ से करें। मतलब तेरी और मयंक के बीच अग्गा देवा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरी हेल्प करेगी। हाँ, तू ना दोपहर को मेरे घर पे आ जाया कर, मैं मयंक को सब समझा दूंगी, तू चिंता मत कर। पर वहीनी आसा, देख मैं तुझे गैर मत के साथ रहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस अपने पति के साथ थोड़ा थोड़ी देर रहने के लिए बोल रही हूँ, समझी। हेलो, मैं कमला बोलते, क्या कर रही है। सब्जी बना रही हूँ। अरे मेरी बात सुन, मैंने ना मयंक से बात कर ली थी, वो यहाँ आया है मेरे यहाँ, तो एक काम कर, उस बुढ़िया को ना कुछ बहाना देकर मेरे यहाँ जल्दी से आ जा। आती हूँ। हो काई का, किसका फोन था। काई नहीं आई, घर में टमाटर खत्म हो गया ना, तो इनका फोन था, कह रहे थे कि रात को टमाटर का सूप पियेंगे, तो मैंने सोचा कि टमाटर ले आओ। मैं जाऊँ ना आई। जा जा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ हाँ। अरे तू आ गई, अच्छा हुआ। तेरे पति अंदर। बहनी पता नहीं मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, मैं अच्छा एक काम करती हूँ, मयंक को वापस भेज देती हूँ, ठीक है। तुम मियां बीबी का सेटिंग करा, ऊपर से नखरे झेलो। अरे नहीं नहीं बहनी, तू ना तेरी किचन में ही सही है। नहीं नहीं बहनी, आप तो बुरा मान गए। मयंक का भी यही हाल है, मुझे भी कह रहा था कि आप भाभी को देख लेगा तो क्या होगा, मैंने कहा बच्चा होगा। बहनी आप भी ना। अच्छा सुन, मुझे अभी जल्दी है, एक घंटे बाद आऊंगी। अच्छा सुन एक मिनट, ये पहन ले, ठीक है भाभी। ये हाँ ये पहन लेना, अच्छी लगेगी। नहीं इसमें से तो सब दिख जाएगा। मैं रे देवा इस लड़की को कैसे समझाऊं। अच्छा तू मुझे वही नहीं बुलाती है ना, तो मैं तेरी कौन हुई, बड़ी ना। मैं बड़ी होकर नहीं शर्मा रही हूँ तो तू क्यों शर्मा रही है। पहन ले, अच्छी लगेगी। ऑल द बेस्ट भाभिया। अच्छा सुन, वहां पे बाथरूम है और तेरा पति वहां है, वहां चेंज कर लेना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कमला है। Thank you.
हालत, सारी सब्जी जल गई, मैंने उठकर गैस बंद कर दिया, अब देखो नई सब्जी बनानी पड़ेगी। अरे टमाटर लाने गई थी ना, कहाँ है टमाटर? टमाटर खराब निकले और आटा भी नहीं मिला। आटा? आई मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। अगर एक्चुअली मी ना वाशीला गेलो होतो एक फ्लॅट बघायला, मेरे दोस्त का ही है, 5,000 रुपया भाड़ा बोल रहा है और बिजली सोसाइटी का अलग से। अच्छा है लेकिन डिपॉजिट 50,000 रुपया बोल रहा है, बाबा से बात करनी पड़ेगी। तो तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं हुआ तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा, लेकिन तेरे को एक अलग खुली नहीं देख कर ही दूंगा मैं। अरे हाँ, मैंने ऑफिस से 20,000 रुपए लिए एडवांस, वो संभाल के कपाट में रख देना, ठीक है? अब जल्दी हमारा अलग खुली का सपना पूरा हो जाए, बहुत जल्दी। अगर ए मेरा भाई तू रो क्यों रही है? रड़ते इसके शर्म है? ए इधर आ, कहाँ रड़ते इसको? चुप, रड़ा ऐसा नहीं। रड़ो ना को, रड़ो ना को का। ऐसा भी क्या हो गया कि फोन नहीं उठाती? आप बिल्कुल बात मत करो मुझसे, इतना घटिया मजाक किया आपने मेरे साथ। क्या कहा था आपने मुझसे? हाँ, अंदर मेरे पति है, अंदर आपके पति थे। देखिए, आज के बाद मुझसे मिलने की या बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू जली माजी, आता पर सुनाए होना, अप्रैल फुल जोक समझ के माफ कर दे मेरी माँ। किया कि नहीं? माफ किया ना? चल अभी 5,000 निकाल। क्यों? क्यों क्या, उधर समझ के दे दे, बाद में दे दूंगी। नहीं है मेरे पास। नहीं है तो कल लेकर आना, भूलना मत, अर्जेंट है। चल चलते। आई बाबा दादा, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि अभी हम सबको यहाँ रहने की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं और चेतना कुछ ही दिनों के लिए अलग जाकर रहे। और वैसे भी हमारी चाल में बिल्डर कब आएगा और हमको बड़ा फ्लैट कब मिलेगा ये तो किसी को मालूम नहीं। एक्चुअली पापा मेरा दोस्त है, उसका वाशी में फ्लैट है, वो 50,000 रुपया डिपॉजिट और 5,000 रुपया भाड़ा कह रहे हैं, तो इसलिए अगर आप कहें तो मैं उससे आगे बात करूंगा। मयंक ठीक ही तो कह रहा है, हम अपनी खुशियों के लिए बच्चों की खुशियों का गला कब तक दबा के रखेंगे? और फिर वाशी कहाँ दूर है, हम तो कभी भी उठकर जा सकते हैं, और फिर कभी इस बेटे के साथ रहेंगे, कुछ दिन इस बेटे के साथ रहेंगे। हो बोलूं टाका? मयंक, महेश, ये
इस छोटे से घर में हमारी तीसरी पीढ़ी, माझे आई वडील, हमारे दादा दादी, हम लोग छोटे से बड़े यहाँ हुए, फिर तुम, हमारी शादियां हो गया, ये घर हरा भरा लगने लगा। इस घर को आदमियों की जैसे आदत लगी है, वो मुन्ना देता है अपना अप्पू यहाँ से वहां रेंगता है, आप लोग ये दुल्हन हमारी चहल पहल होती है, ऐसा लगता है कि कुछ जिंदापन है यहाँ। फिर एक एक करके अभी अब जा रहे हो, नहीं बेटा मुझे उसमें बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारी खुशी भी तो है, जाओ बेटा जा। बाबा थैंक यू, आई थैंक यू, जाओ बेटा। कशिश यहाँ क्या कर रही है, अब जाओ यहाँ से। अरे जाती है जाती है जाती है, पहले मेरे 10,000 रुपए दे दे। 10,000? हाँ। 10,000? अब तो 5,000 कह रही थी। हाँ। और देखो पैसे भी आज के बाद से मेरे और आपका कोई वास्ता नहीं है, मैं वाशी जा रही हूँ। अरे वाह, तू वाशी जा रही है, बड़े बुरी, जाने से पहले ना मुझे 1,00,000 रुपए देकर जा। 1,00,000? हाँ। क्या है ये? एक मिनट, हर सगर प्रश्न है ना, उत्तर देते। ये 1,00,000 रुपए ना सिर्फ आज के लिए है, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, समझे? सही कुठे के लिए कहाँ ढूंढू इसे, मेरे पास नहीं है 1,00,000 रुपए। अरे तो मैं कुठे सांगती है कि एक साथ दे दे। कितनी बार बोला इसे उसके साथ बात मत कर, एक एक शक मत। अब एक काम करते ना, शुरू कर, मतलब मुझे भरोसा बैठेगा कि तुम मुझे पैसे देगी। अब ये सांग, घर ही कितने पैसे, कितने पैसे घर में? हाँ 20,000। 20,000 ना माला आनंद दे। लेकिन वो पैसे तो मैं डिपॉजिट के लिए लाया है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैंने ये वीडियो तेरी सास को दिखा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मुझे तो थोड़ा वक्त दे दो, आठवड़ा, एक हफ्ता, माजो बोर्ड फोर, हाँ एक आठवड़ा चले ना। ये हालात इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अपने पति के साथ अकेले में कुछ पल बिताने की चाहत चेतना को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ले आई। वो एक ऐसे जुर्म के पश्चाताप की आग में जल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी सास उसे समझाती भी रही कि कमला से दूर रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश चेतना ने अपनी सास की सीख को गंभीरता से नहीं लिया। चेतना कमला के जाल में फंस चुकी थी, अब कमला उसे आए दिन टॉर्चर करने लगी, और इस दबाव में चेतना की मासूमियत दम तोड़ रही थी। वो इतनी डर चुकी थी कि उसके लिए ये बात किसी से कह पाना भी मुश्किल हो गया। इधर मयंक नए घर में शिफ्ट होने की खुशी मना रहा था, उधर चेतना को ये चिंता खाई जा रही थी कि वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगी। हेलो डार्लिंग बाइको। मयंक, मयंक। हाँ बोल। तो मुझे ना, मुझे मुझे 10,000 रुपए चाहिए। कितने पैसे क्यों चाहिए? और तुझे मालूम है ना कि मेरे को रूम का डिपॉजिट देने का है, और ना तुझे इतना ही अर्जेंट है ना, क्रेडिट कार्ड से निकाल के देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो बस मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, तुझे इतने पैसे की जरूरत क्यों है? पैसे भी देख रही हूँ मैं, तो काफी दिनों से परेशान लग रही है मुझे। अगो क्या हुआ है तुझे, कुछ बात है तो मुझे बता। कहीं नहीं बहनी, आई के रिपोर्ट्स दिखाने में हॉस्पिटल जा रही हूँ, पप्पू खेलकर ऊपर आएगा तो उसको दूध पिला देना प्लीज। देख तुझसे बात करते करते मैं पैसे लेना भूल गई। हाँ।
आले हाँ केबल वाले हैं, केबल के बिजनेस में भी मेरी पार्टनरशिप है ना, मैं जब चाहे कोई भी वीडियो रिलीज कर सकती हूँ। हाँ लेकिन चिंता मत कर, जब तक तू पैसे देती रहेगी ना तब तक तेरा कोई भी वीडियो रिलीज नहीं होगा। पैसे लाइए देखा है भिखारी समझिए। ए पकिया वीडियो रिलीज कर इसका। नहीं प्लीज, ऐसा मत करो, मेरे पास अभी इतने ही पैसे। शादी में गहने मिले हैं ना तुझे, वो लेकर आ। गहने तो आई के पास होते, मेरे पास नहीं होते। आई के पास गहने क्यों हैं? कितनी बुढ़ी हो गई है वो, इतने सारे गहनों का क्या करेगी? इज्जत बड़े की गहने। क्या बड़ा इज्जत है ना, तू लेकर आ। जा 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 गहने लेकर आ। खुद ने देखा था कि पैसे थे। आओ संभाई, पप्पू मंटे कि उसने तुम्हें कबाड़ में से पैसे निकालते हुए देखा है। ये चेतना, पप्पू क्या कह रहा है? तूने पैसे लिए ना? पैसे? कैसे पैसे? और क्या भाभी, आप भी एक 8 साल का बच्चा कुछ भी कहेगा तो आप यकीन कर लोगे क्या? कोई नहीं, काय बोलते तू है? वो क्यों लेगी पैसे? पप्पू ने खुद अपनी आंखों से इसे पैसे लेते हुए देखा है ना पप्पू? हाँ हाँ, तो मैं अपने दागिने ढूंढ रही थी जो मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। मुझे चाहिए मेरे दागिने। क्यों दागिने क्यों चाहिए तुझे अभी? क्यों मतलब, मेरे दागिने है वो, मैं चाहे कुछ भी करूँ उनका कुएं में फेंक दूँ, आप लोगों को क्या? देवा रे देवा, देख रहे बाबा तेरे बीवी के तेवर, दिमाग घूम गया है उसका। अभी के अभी उसको उसके मायरी छोड़ के आ, तभी उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्यों आप सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो? और एक बात मैं सब लोगों को बोलती हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जब तक मेरे दागिने नहीं मिलते मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। भाई अरे अरे मैं कैसे? अरे कैसे यार, कैसे? बस बढ़िया। और अच्छा एक वीडियो दिखा था तुम्हें। अरे तू है, क्या पागलबंदी है? इनका मोबाइल तोड़ दिया तूने? क्या दिखा रहे थे आपको? अरे ये मुझे कुछ नेताओं के झगड़ा होगा यार, अगर मैं तुझे डोका भी का फिर लेगा। अरे महंग भाई आराम से, बहुत नहीं इच्छे। अब चेतना का जीना मुहाल हो चुका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब से बाहर कैसे निकले। उसके पास एक सीधा रास्ता तो ये था कि वो अपने पति को सब कुछ सच बता दे, पर उसे डर था कि वीडियो देखकर मयंक उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। चेतना की चुप्पी उसे खुद अपनी ही नजरों में गिरा रही थी, लेकिन सब कुछ चुपचाप यूं सहते जाना बिल्कुल गलत था। ऐसे हालात में उसे या तो अपने पति को सब कुछ बता देना चाहिए था, या वो पुलिस की मदद भी ले सकती थी। ब्लैकमेल एक संगीन अपराध है और उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे मामलों में विशेष कानून भी बनाए गए हैं। बहरहाल चेतना ने किसी की भी मदद ना लेते हुए खुद ही इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। मयंक, मुझे बस मेरे दागिने दे दो,
क्या करेगी तू दागिने लेकर? मैम मेरे दागिने में चाहे जो भी करूं। चेतना क्या हो गया है तुझे? तू क्यों कर रही है ये सब? तेरे प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है ना तुझे, लेकर जा रहा है ना मयंक तुझे वाशी। देख चेतना, हम सब तेरा प्रॉब्लम समझते हैं। नहीं, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता। देखो मुझे मेरे कहने दे दो बस। मयंक अब इस लड़की को मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आओ चलिए मेरे साथ बैंक में, इसके सारे दागिने लेकर आते, उसे दे देते, और तू अभी के अभी इसको इसके माहिर छोड़ के आ जा, समझा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्या भाभी, अपने को भी थोड़ा मजा करने का है ना? ऐसा मजा अंकुर बाबू को करवाया, उन भी एकदम साइलेंट रोमांटिक है। अरे वीडियो में तो आप बहुत मस्त लग रही हो, असल में भी वैसी ही हो ना? देखो पेमेंट का आखिरी दिन है, कल कमला ताई को पैसे नहीं पहुंचे तो फिर इस वीडियो का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो चल रहे। देख मयंक तू समझ नहीं रहा, एक बेचारी लड़की अपना घर बार सब कुछ छोड़कर शादी करके हमारे घर है। उसके भी कुछ सपने होंगे, लेकिन हमारे घर में उसे मिला क्या? सुन मैं तो बोलता हूँ तो कुछ दिन के लिए उसे बाहर घुमाने ले जा। ये देखो चेतना का फोन। इसे कहते हैं लव स्टोरी। भाभी तुम भी ना। हेलो चेतना। आई देखिए मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही, लेकिन आपको कुछ तो पता होगा कि चेतना ने ऐसा क्यों किया। वो ना बहुत दिनों से बहुत परेशान थी। तेरा से पहले कि ऐसा लगता था कि उसे कोई चिंता सताई जा रही है, खाई जा रही है। हमें कारण चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, और पड़ोस के लोग बता रहे थे जो बार बार अपने गहने मांगती थी। आप कुछ गलत समझ रहे, चेतना का वो मतलब नहीं था। तो जो भी मतलब था वो सामने आना बहुत जरूरी है, नहीं आप सबके सब प्रॉब्लम में आ जाओगे। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपसी बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालिए, वरना कानून का दरवाजा खटखटाइए। हमारा कानून भी किसी व्यक्ति को अपनी जान लेने की इजाजत नहीं देता। आत्महत्या का प्रयास भी कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। समस्या से घबराकर उठाया गया ऐसा कोई भी कदम सिर्फ उसी व्यक्ति को नहीं बल्कि उससे जुड़े हर इंसान को प्रभावित करता है। जाने वाले को भले ही लगे कि ऐसा करने से उसे अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद माता पिता और परिवार के बाकी लोगों के दिल पर जो बोझ रहेगा उससे उन्हें छुटकारा कैसे मिलेगा? चेतना की मौत ने मयंक को झकझोर कर रख दिया था। रे पुरा, क्या विचार कर रहा है? आई, ऐसी क्या बात हुई आई? ये चेतना ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आई तुम्हें ऐसा कुछ याद है कि तुमने देखा हो कि कुछ गड़बड़ है? अरे उस दिन ना वो भाजी काट रही थी और भाजी काटते काटते अचानक उठकर घर से बाहर निकल गई। उसे ना कोई फोन आया था और उस फोन के बाद ही वो परेशान सी रहने लगी। और हाँ, एक दिन मैंने उसे उस कमला के साथ भी बात करते हुए देखा था। वो आई कमला के साथ तो मी पर दोन तीन दिन पहले तिला बोलता ना, पर मुझे नहीं लगा कि कोई गड़बड़ होगी।
नहीं पूरा भाऊजी। अरे बक बक क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है? क्या जानता था तुझे इतना के बारे में? क्या कर रहा है? क्या जानता था तुझे इतना के बारे में? जरूर तुझे कुछ तो कुछ पता है। उसने तेरा मोबाइल क्यों चुरा? उसने आज इसकी वजह से मेरी चिंता मेरे साथ में रही है। छोड़ छोड़ उसे। कहा ना मैंने छोड़ उसे? उनकी वजह से नहीं, तेरी वजह से। क्या मेरी वजह से? तेरी वजह से आज तेरी चेतना तेरे साथ नहीं है। पगले वो तुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुझसे कैसे कहती? तुम दोनों को साथ बात करने के लिए जगह ही कहाँ थी? तुझे ये लग रहा है ना कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता? चेतना ने खुद ये सब कुछ मुझे बताया है। इनको कोई दोष मत दे। तू जिम्मेदार है चेतना की मौत का। तेरी वजह से आज तेरी चेतना तेरे साथ नहीं है। वो संभालो अपने आप को। नहीं, वो मेरी वजह से गई। मैं उसे खुश नहीं रख पाया। ऐसा नहीं है मयंक, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी जो उसने हमें नहीं बताई है। नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो मुझे जरूर बताती। हम दोनों एक दूसरे को उनकी सारी बातें बताते थे। जब भी मुझे कुछ आपसे कहना होगा ना तो मैं लिख के इस डब्बे में डालूंगी। ऐसे क्या बात थी? मयंक आओ, आओ बाहर। मयंक, मयंक, एक बार। मयंक, ए मयंक, क्या चाहिए बेटा? क्या भाई ये तुला बोल रहा? अरे क्या क्या कर रहा है? क्या चाहिए? अरे सब फेंक क्यों रहा है? कैसा कागज है? मैंने ना मयंक से बात कर ली थी, वो यहाँ आया है मेरे यहाँ तेरे पति अंदर। ये हाँ ये पहन लेना, अच्छी लगेगी। आप ये 1,00,000 रुपए ना सिर्फ आज के लिए है, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, समझी? इतने पैसे मेरे पास? शादी में गहने मिले ना तुझे, वो लेकर आ। कल कमला ताई को पैसे नहीं पहुंचे तो फिर इस वीडियो का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। मैंने बहुत कोशिश की पर तुमको बता नहीं पाई। मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। ए बेटा बता, अरे क्या लिखा है? किसकी चिट्ठी है? बोलना रे तू। मैं जल्दी हो सके ना यहाँ से चल चलते हैं, यहाँ पे पुलिस का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मैं वजह से मेरी जान। मैं छोड़ छोड़। अरे तू है मेरी बीवी तो रुको। इंस्पेक्टर साहब ये देखो, ये सुसाइड नोट। इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा। तुम दोनों ने मारा हमारी चेतना को? अरे क्या दोनों को? चेतना को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए कमला को आईपीसी के सेक्शन 306, एक महिला की शालीनता भंग करने के लिए सेक्शन 354 और अश्लील वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग के लिए सेक्शन 506 के तहत दोषी पाया गया और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अंकुर को आपराधिक षड्यंत्र में साथ देने के लिए सेक्शन 120B के तहत 5 साल कैद की सजा हुई। इनको तो सजा मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी सजा मिली बेकसूर मयंक को, जिसने अपनी चेतना को हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, हम सभी के दिलों में ढेरों चाहते होती हैं। कुछ चाहते पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। और कभी कभी अपने कमजोर पलों में हम इन्हीं अधूरी चाहतों का जिक्र औरों से कर बैठते हैं। लेकिन सावधान रहें, जरूरी नहीं कि जिससे आप ये जिक्र कर रहे हैं वो आपका मित्र ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन्हीं अधूरी चाहतों को आपकी कमजोरी बनाकर वो शख्स आपको ठगने की तैयारी में। अगर चेतना ने अपने पति को सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज भी वो मयंक के साथ ही होती। इसीलिए अपने मन की सभी बातें अपने घर वालों के साथ बेझिझक बांटें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।